मैं हमारे साथ में जो आंदोलन हमने 13 जून को जंतर मंतर से शुरू किया था ईवीएम के विरोध में, उसमें धीरे 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 पूरे देश से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के यानी उत्तर पूर्व के 3 या 4 राज्यों को छोड़ दूं, तो उसके अतिरिक्त पूरे देश से, चाहे वो दक्षिण से हो, चाहे पूर्व से हो, पश्चिम से हो, उत्तर से हो, हर क्षेत्र से लोग जुड़ चुके हैं। और आज हमारे बीच में कर्नल राम मेहर साहब, राम मेहर मलिक साहब, जो फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में श्री जय कुमार झा साहब हैं, जो हमारे साथी उस समय जंतर मंतर पर भी थे 13 को। हमारे बीच में कर्नल राजेंद्र यादव जी, जो सर्वजन आवाज पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सूबेदार मेजर चौहान साहब, जो सर्वजन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में डॉक्टर विजय कुमार जी, जो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही साथी, जो अमेरिका से नौकरी छोड़ के देश में लगातार काम कर रहे हैं, मिस्टर त्यागी, वो हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में आदरणीय आंटी जी, जो कर्नल राम मेहर साहब की धर्मपत्नी हैं, लगातार आंदोलनों में साथ रहती हैं, हमारे बीच में हैं। आज जो हमने मीटिंग की है सारे साथियों ने और आपके बीच में अब हैं, उसका बहुत बड़ा एक मुद्दा यह था कि जो आंदोलन अब ईवीएम का शुरू हुआ है और पूरे देश में लगातार ये आंदोलन फैल रहा है, जगह जगह से साथी जुड़ रहे हैं, तो इसको कैसे और मजबूत बनाया जाए और घर घर तक, हर जन जन तक, हर व्यक्ति तक ये आंदोलन पहुंचाया जाए, इसके विषय में आज हम सब ने विचार मंथन किया। और उसके बाद में जो हम लोगों ने निर्णय लिया, उसमें एक निर्णय बहुत बड़ा यह है कि आने वाले जुलाई के महीने में 14 जुलाई को जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन, धरना इस ईवीएम के विरुद्ध और किया जाए। उसमें देशभर से जितने सारे साथी अब तक जुड़ चुके हैं, वो सारे साथियों को बुलाया जा रहा है, वो सब साथी उसमें शामिल होंगे। और उसके साथ साथ आज से लेकर लगातार अब जब तक ये ईवीएम का आंदोलन रहेगा, ईवीएम बंद नहीं होगी और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक जो पब्लिक है, जो जनता है, हर व्यक्ति को इस आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए और हम लोगों को भी कैसे पता लगे कि इस देश की पब्लिक, हर व्यक्ति ईवीएम के विरोध में आके इस आंदोलन से जुड़ गया है, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की। और चर्चा के बाद में जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि 14 जुलाई को जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन, और इसके साथ जो हमारे साथी देश भर में जुड़ गए हैं, वो सारे के सारे साथी जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, वो पब्लिक के साथ सीधे जुड़कर पब्लिक से एक लेटर, जो इस तरह के पोस्ट कार्ड पर, जो सबसे सस्ता है, ये 50 पैसे का पोस्ट कार्ड है, और इस पर लिखकर राष्ट्रपति को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय चुनाव आयोग को, प्रधानमंत्री को और इस देश के गृह मंत्री को लेटर लिखकर भेजेंगे, ताकि ये पता लग सके कि देश की इतनी बड़ी आबादी ईवीएम के विरोध में है। और जो ज्ञापन उन्होंने दिया है, उस ज्ञापन पर राष्ट्रपति संज्ञान लेकर ईवीएम को खत्म करके दोबारा से बैलेट पेपर पर मतदान कराकर लोकसभा के चुनाव कराएं, और ये जो 2019 का लोकसभा चुनाव है इसको रद्द करें। प्रधानमंत्री मोदी, बेहतर तो यह है कि वो अपने आप ही इस्तीफा दें, अगर नहीं है तो राष्ट्रपति को उनका इस्तीफा लेकर उन्हें बर्खास्त करना चाहिए सरकार को, और सरकार का कोई भी फैसला, इस सरकार का कोई भी फैसला लागू नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा निर्णय हम सारे साथियों ने मिलकर लिया है। इसमें हमारे साथ कुछ और पार्टियां, जैसे एक भारत प्रभात पार्टी और एक हमारे साथ में आजाद भारत पार्टी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो जो लेटर हम देंगे
पब्लिक को देना है राष्ट्रपति को, वो ये लेटर है। ये लेटर बाकायदा हम, मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा, और ये लेटर बाकायदा हम अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पब्लिक तक भेजेंगे भी। पब्लिक इसको लिख के राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग को भेजे, जिससे पता लगे कि पब्लिक कितने खिलाफ है। देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं कि सड़क पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पाते, कई परिस्थितियां होती हैं। तो जो लोग घरों में बैठे हैं, कम से कम वो भी अपनी ओपिनियन इस लेटर के माध्यम से इन विभिन्न लोगों तक पहुंचाएं। तो राष्ट्रपति को जो पत्र दिया जाएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। छोटा सा एक पत्र है जो पोस्ट कार्ड पर आ जाएगा। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। नंबर एक, ईवीएम को पूर्णतः बंद किया जाए, केवल बैलेट पेपर से ही मतदान हो, मोदी सरकार बर्खास्त हो, लोकसभा चुनाव 2019 रद्द हो, बैलेट पेपर से दोबारा लोकसभा चुनाव हो, मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध देशद्रोह, जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो, वर्तमान मोदी सरकार का कोई भी फैसला और इस समय संसद से पारित कोई भी कानून लागू नहीं किया जाए। ये इस पोस्ट कार्ड पर लिखकर हर व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय को भेजे और नीचे उस पर अपने हस्ताक्षर करें, अपना नाम लिखे, और जिस जिले से है वो उस जिले का नाम, और जिस राज्य से है उस राज्य का नाम। ये एक लेटर पब्लिक महामहिम राष्ट्रपति को भेजे। इसके अलावा एक लेटर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लगाने का आदेश दिया था, लेकिन वीवीपैट की वो पर्चियों की गिनती नहीं हो सकी, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से 5 सवाल हर व्यक्ति को पूछने चाहिए। हमने वो लिखे हैं कि क्या वो 5 सवाल हो सकते हैं, जिसे हर व्यक्ति इस पोस्ट कार्ड पर लिखकर इन 5 सवालों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को भेजे, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता लगे कि पब्लिक इस देश की क्या चाहती है। मैं पढ़ के सुनाता हूं। सेवा में श्रीमान मुख्य न्यायाधीश भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली एक। श्रीमान जी, जब ईवीएम को बनाने वाले और शक्तिशाली विकसित देश ईवीएम का प्रयोग छोड़कर बैलेट पेपर से मतदान कराते हैं, तो भारत में ईवीएम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? नंबर दो, अगर वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती करानी ही नहीं थी, तो देश की जनता का 3,500 करोड़ रुपया खर्च करके वीवीपैट मशीनें क्यों तो बनवाई गई और क्यों प्रयोग में लाई गई? जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ हो और पढ़े लिखे व्यक्ति भी ईवीएम की तकनीक को न जानते और न समझते हो, तो क्या यही एक कारण पर्याप्त नहीं है भारत में ईवीएम को पूर्णतः बंद करने और बैलेट पेपर से मतदान कराने के लिए? नंबर चार, भारत का नागरिक और मतदाता होने के नाते क्या मुझे यह अधिकार नहीं है कि चुनावों में मतदान की वह पद्धति अपनाई जाए जो इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करे कि मैंने जिस उम्मीदवार और जिस पार्टी को वोट दिया है वह उसी को जाए और उसी के हक में गिना जाए, और इसके लिए बैलेट पेपर से मतदान के अतिरिक्त कोई और अच्छा तरीका नहीं हो सकता है? नंबर पांच, देश हित और जनहित में स्वतः संज्ञान भी कुछ होता है क्या? यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी बात पर अपने आप सो मोटो कोई भी संज्ञान ले सकती है, किसी भी मुकदमे को डील कर सकती, कार्रवाई कर सकती है, ऐसे कई उदाहरण हुए हैं। तो क्या इस मामले में भी ऐसा होना चाहिए? क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं कर सकती, या उसे करना चाहिए? ये एक लेटर
सभी को सुप्रीम कोर्ट को लिख के देना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट भी इस लेटर को चाहे तो पीआईएल ट्रीट करके और उस पर कोई भी आगे कार्रवाई कर सके। एक लेटर ये चुनाव आयोग को सीधे सीधे, क्योंकि ईवीएम मशीन जो भी है, इलेक्शन जो भी है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल और केवल चुनाव आयोग की है, और चुनाव आयोग को इस देश की 133 करोड़ आबादी को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि जो चुनाव उसने कराया है वो बिल्कुल फेयर है, उसमें कहीं कोई धांधली नहीं है और सब कुछ पारदर्शी है, बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है। लेकिन इस बार का चुनाव जो हुआ है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसके विषय में हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, जिसमें 373 लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोग के अनुसार ही 8000 से ज्यादा, 8000 से लेकर 18000 वोटों की गिनती ज्यादा हुई है। कैसे, जब पड़ी उतनी है तो इतनी ज्यादा कैसे हुई है, इन सारी चीजों को लेके। जी, जैसे कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रही है, भारत निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, वहां पहले से ही उन लोगों के आदमी सेट है, तो क्या आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे? नहीं, देखिए लड़ाई कोई भी जब लड़ी जाती है तो लड़नी चाहिए जीतने के हौसले से और विश्वास से। रही बात जीतने की कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, हाँ आप जो बात कह रहे हैं अगर ये सारी बात सही है जो नजर भी आ रहा है, तो निश्चित रूप से कानूनी रूप से लड़ाई नहीं जीत पाएगा कोई भी, हम नहीं कोई भी नहीं जीत पाएगा, लेकिन ये जनता की लड़ाई है, ये जनता को ही लड़नी पड़ेगी और जनता को ये लड़ाई सड़क पर आकर लड़नी पड़ेगी। हम केवल प्रयास कर रहे हैं कि इस देश की जनता जाग जाए, नींद से उठ जाए और वो अपनी लड़ाई लड़े, जो उसके साथ में सब कुछ गलत हो रहा है, जो उसका हक मारा जा रहा है, जो उसके साथ लूट हो रही है, वोट उसकी और जारी है किसी के खाते में, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए, हमारी कोशिश है। सर की प्रताप जी, जिस तरीके से इंडिया के अंदर राष्ट्रीय पार्टी है और आप ईवीएम के मसले को लेकर चल रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा कहीं दुख है और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान है, तो क्या राष्ट्रीय पार्टी ईवीएम को लेकर अभी कोई भी मोर्चा नहीं खोला है? देखिए राष्ट्रीय पार्टियों की जिम्मेदारी तो ये उन्हीं की है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों की ही जिम्मेदारी सबसे पहले थी कि वो मैदान में आती और इस मुद्दे को लेकर लड़ती, सड़क पर लड़ती, लोगों को खड़ा करती, लेकिन दुर्भाग्य कि वो सारी की सारी राष्ट्रीय पार्टियां, राज्य पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं जो कभी ना कभी केंद्र में या राज्य में सत्ता में रह चुकी हैं, वो इस मुद्दे पर बाहर निकलकर नहीं आ रही हैं, और उनके तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं उससे तो कई बार ये लग रहा है कि वो ईवीएम में गड़बड़ी को मान ही नहीं रही हैं। लेकिन दो सवाल हमारे सामने बार बार है जिसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने भी नहीं दिया, उन पार्टियों ने भी नहीं दिया, कि कैसे तो 20 लाख ईवीएम गायब हुई, जिसका मुद्दा, जिसका केस आज की तारीख में बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा, किस तरह से 373 लोकसभा सीटों पर 8000 से लेके 18000 तक वोटें ज्यादा आई, इस बात का जवाब नहीं है। तो क्या यह कारण नहीं है कि एक स्वतंत्र, एक निष्पक्ष जांच कमीशन बनाया जाए, जिसका हमने राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया था उसमें 3 जजेस के नाम भी हमने बताए, जस्टिस के रामास्वामी, जस्टिस संतोष हेगड़े और जस्टिस आर सी लाहौटी जी, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के बड़े ईमानदार और बड़े डेडिकेटेड, मैं इन्हें कहूं कि ये इंसान नहीं संत की स्थिति में है, इन लोगों की एक कमेटी बना के क्यों ना इसकी जांच कराई जाए। तो क्या ये कारण जांच कराने के लिए काफी नहीं है, और उसके बाद में जो दोषी हो उनको जो सजा दिलाई जाए? क्या भानु प्रताप जी, आपको ये नहीं लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो पहले जिन्होंने अभी मोर्चा नहीं खोला है, कि आप उनका घेराव करें? देखिए हमें उनका घेराव करने की जरूरत नहीं है, हम तो आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि वो नींद से जागे, उन्हें सद्बुद्धि मिले और इस आंदोलन में वो बढ़ चढ़ कर भाग लें, बल्कि कोशिश हो सके तो वो इस आंदोलन को लीड करें और जनता को जगाने का प्रयास करें, कि अन्यथा जनता उन्हें भी भूलेगी नहीं, माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता के साथ में जो धोखा हुआ है, हर राजनीतिक पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि वो जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाए, लेकिन अभी तक वो इस मामले में पूरी तरह से नाकाम है। आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि हर किसी के दिमाग में, दिलो दिमाग में भाजपा है, तो वो लोग ईवीएम के खिलाफ आपके साथ क्यों आएंगे? देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हर कोई भाजपा के साथ में है, बहुजन समाज को छोड़ रहा। नहीं, मैं बहुजन समाज की बात नहीं कर रहा, ये तो हर किसी की बात है, ये बात
केवल बहुजन समाज के नहीं है, ये बात इस देश के प्रत्येक नागरिक की है जिसे वोट देने का अधिकार है। जो व्यक्ति सचेत है, जागरूक है, जो ईमानदार है, जिसका मत लूट लिया गया और लूट कर एक सरकार बना ली गई जिसे इस देश का मत प्राप्त नहीं है, सरकार बनाने के लिए मत प्राप्त नहीं है। हम सीधे सीधे आते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, ईवीएम ने घोटाला कराया या अमित शाह जी ने कराया, हमने एकदम मोदी ने। अब आगामी दो महीने के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं, चार राज्यों के, फिर उसके बाद दो महीने बाद दिल्ली का राज्य, तो उन चुनावों के अंदर क्या आप ईवीएम से कराना पसंद करेंगे या बैलेट पेपर से? नहीं, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, उनसे क्यों ईवीएम से कराना पसंद करेंगे, बल्कि हम तो इस देश में कोई भी चुनाव तब तक होने ही नहीं देंगे जब तक ईवीएम पूरी तरह से बंद रहा हो। वो आने वाले तीन महीने बाद जो चार राज्यों के चुनाव जिनकी आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, मिजोरम है, झारखंड है, केवल उनकी नहीं, जो उसके दो महीने बाद दिल्ली का चुनाव, कोई भी चुनाव हम ईवीएम से कराने नहीं देंगे। इसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। हम नहीं जानते कि परिणाम क्या होगा, पर जनता को जगाने की, उसको साथ लाने की हमारी पूरी कोशिश है। हम पूरी ताकत लगाएंगे ताकि जनता सड़क पर आए और अपनी लड़ाई लड़े और ईवीएम हमेशा के लिए खत्म हो। तो हमारी को इसीलिए जगह जगह से धीरे धीरे हमारे साथ साथी जुड़ते जा रहे हैं, पार्टियां जुड़ती जा रही हैं। बल्कि मैं तो एक बात और कहूंगा आपके सामने कि वो बड़ी पार्टियां जो केंद्र में कभी सत्ता में रही या राज्य में कभी सत्ता में रही हैं, अगर उन्हें कहीं डर लग रहा है या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं, तो जो उनके साथी हैं उनको हमारे साथ में भेज सकते हैं, उनके हमारे साथ इस आंदोलन में हर तरह की वो सपोर्ट कर सकते हैं अगर ऐसी कोई बात है। तो कोई भी चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2019 से पहले इस्तीफा दें, इस लोकसभा को भंग करें, दोबारा से चुनाव कराएं और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। हमारा इसके लिए हम लगातार जनता को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। भानु प्रताप जी, लोकतंत्र बचाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार धरना प्रदर्शन करती हैं, एकजुट भी होती हैं और मन से ये आह्वान किया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जब बीजेपी इसका जवाब देती है तो वो कहती है तथ्य कहाँ है, जो तथ्य है ईवीएम गड़बड़ी के वो कहाँ है। तो क्या वजह है कि इसीलिए जो है एकजुटता दिखाई जाती है, तथ्य पेश नहीं किए जाते, जो बीजेपी कह रही है वो सही कह रही है? बिल्कुल झूठ कह रही है बीजेपी, बीजेपी के पास कोई तथ्य नहीं है। देखिए बीजेपी के आर्गुमेंट क्या हैं, बीजेपी के तीन आर्गुमेंट हैं, कभी भी वो फैक्ट पर नहीं जाती। जो रिकॉर्ड आपके सामने है, सबूत आपके सामने है, बीजेपी उस पर बात नहीं करती। बीजेपी क्या काम, तीन सवाल क्या करती है? नंबर एक, हार गए हैं इसलिए ये ईवीएम को दोष दे रहे हैं, बीजेपी का एक तर्क यह है, क्योंकि सारे हार गए हैं इसलिए भी ईवीएम को दोष दे रहे हैं और कुछ इनके पास मुद्दा नहीं। दूसरा वो ये कहती है, भाई आप जो पिछले तीन चुनाव, जैसे कांग्रेस जीत गई मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी तो वो चुनाव कैसे जीत गए? ये उसका एक तर्क है नहीं है, ये उनके तर्क है बीजेपी के। पर बीजेपी इस बात का जवाब नहीं देती, चुनाव आयोग भी इस बात का जवाब नहीं देता कि 20 लाख ईवीएम कहां चली गई, जो मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग है। नंबर दो, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 373 लोकसभा सीटों पर 8000 से लेकर 18000 वोटें कैसे फालतू आई, जितनी पड़ी हैं उससे ज्यादा, इस बात का जवाब नहीं देती ना बीजेपी देती है ना चुनाव आयोग देता है। अगर आप ईमानदार हैं तो इलेक्शन कमीशन ने ये डाटा सारा अपने उसे वेबसाइट से क्यों हटाया? अगर वो ईमानदार है तो क्यों हटाया? इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये सरासर बेईमानी है, सरासर झूठ है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ईमानदारी यह है कि क्योंकि बुरी तरह से बीजेपी हार रही थी, सिर्फ ईवीएम के माध्यम से वो सरकार बनाई। मैं एक सवाल आप सबसे जानना चाहता हूं, आपसे भी जानना चाहता हूं और इस देश की पब्लिक से भी। 2014 में जब मोदी की आंधी थी तब भी उसको इतनी सीटें और इतना वोट नहीं मिला, मात्र 38 से 39% वोट मिला, और जब देश पूरा उसके खिलाफ है, किस बात के खिलाफ है? देश बेरोजगारी पे खिलाफ है, 15-45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। देश इस बात पे खिलाफ है कि नोटबंदी में 200 से ज्यादा लोग मर गए और 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। देश इस बात से खिलाफ है कि जो बैंकों का कर्जा है, बैंकों का दिवाला निकलने वाला है, जो 2.25 लाख करोड़ था 12.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। आज की तारीख में जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारों की संख्या 15 करोड़ से इस देश में पार कर चुकी है। इसका कोई जवाब नहीं है।
इसलिए जो भी सारी सारी चीजें हैं, ये कैसे पता लगेगी, कैसे बताएं आपके इतने सारे मुद्दे होते हुए भी बीजेपी को 51 से लेकर 60% वोट मिला, जो किसी हालत में संभव नहीं है। और जो अमित शाह कहते रहे पहले से ही कि 300 सीटें बीजेपी की आएंगी 300 के पार और 350 से ज्यादा उनकी गठबंधन की आएंगी, एनडीए की आएंगी, और जब आंकड़ा आया तो जो चुनाव से पहले, ठीक काउंटिंग से पहले जो सर्वे आया, उस सर्वे में भी, एग्जिट पोल में भी यही दिखाएगा और यही परिणाम था। तो इसे क्या माना जाए कि पहले से ही आपको पता था कि कितनी सीट आएंगी, सब कुछ मैनेज था। इसके स्वतंत्र जांच कराने में किसी को क्या दिक्कत होने हो सकती है? अगर उन्हें इतना ही दिक्कत है तो बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने ना, लोकसभा भंग करके इस इलेक्शन को रद्द करके दोबारा चुनाव करा ले, बीजेपी को पता लग जाएगी कि उसकी क्या औकात है, कहां खड़ी है बीजेपी, उसे यह पता लग जाएगी मिले हैं उसको इतने वोट जिनका दावा कर रही है या नहीं मिले। इसलिए हमारा यह है, इन सवालों का जवाब इस देश की जनता को चाहिए, हम वही प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।